एक बार क्या हुआ कि पत्रकारों ने उनसे सवाल कर लिया पंडित मदन मोहन मालवीय से कि आखिर आप इतनी भारी गर्मी में भी जर्सी स्वेटर क्यों पहनते हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो अछूत लोग हैं या ये जो शूद्र लोग हैं, ये कभी कभी मेरे पैर छू लेते हैं, और जब ये मेरे पैर छू लेते हैं तो मेरे जो बदन से जो पसीना निकलता है, यानी कि मैं जब इतनी मोटी मोटी जर्सियों को जब मैं पहनता हूँ और मेरे बदन से जो पसीना निकलता है, मैं इसलिए ही पहनता हूँ ताकि पसीना निकले और मैं उससे नहाकर पवित्र हो जाऊँ। पंडित मदन मोहन मालवीय कहने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, ये तो मेरे छोटे भाई हैं। ऐसा उन्होंने बोला ताकि इनको अलग से अधिकार ना मिले, अलग से इनको निर्वाचन क्षेत्र ना मिले, इसलिए वो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो लगातार झूठ बोल रहे थे सभा में, और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे छोटे भाई हैं। अब बाबा साहेब को ये सुनकर बड़ा कि अब वो कैसे प्रूव करें, लेकिन उन्होंने तभी तुरंत ही उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, क्योंकि बाबा साहेब बहुत दिमाग के धनी थे, और उन्होंने तुरंत एक गिलास उठाया और पंडित मदन मोहन मालवीय के सामने रखा कि अगर मैं आपका छोटा भाई हूँ तो या तो आप मेरे हाथ से एक गिलास पानी पी लीजिए या फिर मुझे अपने हाथ से एक गिलास पानी पिला दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मैं शकुन बौद्ध गाजियाबाद से आज फिर से आपके सामने। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि बाबा साहेब के हर महीने की मुख्य मुख्य घटनाएं मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे तो आप इसको शेयर भी करें, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करती हूँ। तो आज जो मैं बात करूंगी वो 15 अगस्त 1931 पे मैं बात करूंगी कि बाबा साहेब ने हमारे लिए 1931 में क्या किया। तो ये बात जो है तब की है जब लंदन से बुलावा आया था बाबा साहेब को दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। तो जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 12 नवंबर 1930 को हुई थी, लेकिन दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 15 अगस्त 1931 में हुई थी, जिसमें यहाँ के बहुत सारे लोग वहां गए और उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बनकर और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बनकर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय गए थे और बाबा साहेब बहुजन समाज का और अछूतों का प्रतिनिधित्व वहां पर जाकर कर रहे थे। तो जब बहस हुई तो ये लोग जब बाबा साहेब दलीलें दे रहे थे, जब बाबा साहेब दहाड़ रहे थे, तो इन लोगों को लगा कि अगर अछूतों को अलग से अधिकार मिल गए तो ये लोग हम पे मतलब हमारी जनसंख्या इतनी सी है, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय एक बहुत ही मनुवादी सोच के व्यक्ति थे और वो हमेशा जो है अछूत और मतलब समाज को बांटने में उनका भी रोल था, वो भी समाज में भेदभाव को बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे, और उन्होंने हमेशा यहां तक कि उन्होंने भरी गर्मी में भी वो पहनकर रखते थे स्वेटर, जर्सी पहनते थे। और एक उनकी बात मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि एक बार क्या हुआ कि पत्रकारों ने उनसे सवाल कर लिया पंडित मदन मोहन मालवीय से कि आखिर आप इतनी भारी गर्मी में भी जर्सी स्वेटर क्यों पहनते हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो अछूत लोग हैं या ये जो शूद्र लोग हैं, ये कभी कभी मेरे पैर छू लेते हैं, और जब ये मेरे पैर छू लेते हैं तो मेरे जो बदन से जो पसीना निकलता है, यानी कि मैं जब इतनी मोटी मोटी जर्सियों को जब मैं पहनता हूँ और मेरे बदन से जो पसीना निकलता है, मैं इसलिए ही पहनता हूँ ताकि पसीना निकले और मैं उससे नहाकर पवित्र हो जाऊं, ऐसी उनकी सोच थी। तो वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और बाबा साहेब बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जब बाबा साहेब दहाड़ रहे थे तो बाबा साहेब बहुत सारे अखबार की जो क्योंकि अंग्रेजी शासन था, और जब घटनाएं होती थी तो न्यूज़पेपर छपते थे और मैगजीन छपती थी, तो बाबा साहेब उनकी कटिंग
कटिंग अपने पास रख लिया करते थे। जितनी भी घटनाएं बहुजन समाज पर होती थी उन सभी की जो है वो कटिंग अपने पास सबूत के तौर पर रखते थे और बहुत सारे सबूत उनके पास, उन्होंने बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके रखे थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय वो कहने लगे कि जब बाबा साहब ये कह रहे थे कि हमारी स्थिति जानवरों से भी बदतर इन लोगों ने की हुई है, ना ही हमको सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार है, ना ही हमको सार्वजनिक कुओं से तालाबों से पानी पीने का अधिकार है, और ना ही हम इधर उधर पब्लिक पैलेस में भी सार्वजनिक जगहों पर हम जा नहीं सकते, हमको पढ़ने नहीं दिया जाता, हमारे साथ जानवरों से बदतर व्यवहार होता है। जब ऐसा वो दहाड़ रहे थे, जब एक एक सबूत वो पेश कर रहे थे, तो मदन मोहन मालवीय अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहने लगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि ये जो डॉक्टर अम्बेडकर है ये झूठ बोल रहे हैं। तो बाबा साहेब उन्होंने कहा कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर ये आपके अखबार झूठ बोल रहे हैं, आपकी मैगजीन झूठ बोल रही है, क्योंकि बाबा साहेब ने तो सारे सबूत इकट्ठे किए हुए थे। तो अब अंग्रेजी सरकार ये कैसे कहे कि भाई उन्हीं के पेपर और उन्होंने गलत खबर छापी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस बात को वो उन्होंने कहा, अंग्रेजी सरकार ने कहा, जॉर्ज पंचम भी वहां पर थे, जो राजा थे वो भी वहीं पर थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सबूत झूठ नहीं हो सकते। फिर जब वो कहने लगे कि बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय कहने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, ये तो मेरे छोटे भाई हैं, ऐसा उन्होंने बोला ताकि इनको अलग से अधिकार ना मिले, अलग से इनको निर्वाचन क्षेत्र ना मिले। इसलिए वो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो लगातार झूठ बोल रहे थे सभा में, और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे छोटे भाई। अब बाबा साहेब को ये सुनकर बड़ा कि अब वो कैसे प्रूफ करें, लेकिन उन्होंने तभी तुरंत ही उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, क्योंकि बाबा साहेब बहुत दिमाग के धनी थे, और उन्होंने तुरंत एक गिलास उठाया और पंडित मदन मोहन मालवीय के सामने रखा कि अगर मैं आपका छोटा भाई हूं तो या तो आप मेरे हाथ से एक गिलास पानी पी लीजिए या फिर मुझे अपने हाथ से एक गिलास पानी पिला दीजिए। तो वो कहने लगे ये कैसा है? फिर वो उनके मुंह से सच्चाई निकल ही गई और पंडित मदन मोहन मालवीय कि दूर रहिए अम्बेडकर, आप तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसा उनके मुंह से निकल गया। अब जब ये मुंह से निकला तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि कितना छुआछूत, कितना भेदभाव ये लोग हमसे करते हैं। और यही सोचकर जो वहां के राजा थे उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने जितने भी प्रूफ दिए हैं, जितने भी सबूत दिए हैं, और 89 जो लोग गए थे और बाबा साहेब ने अपनी मतलब सबूतों के आधार पर और वहां पर वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसे दहाड़े कि उनको ये उनको मानना ही पड़ा कि जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं वही सच है, वही ट्रूथ है। तो इसलिए उन्होंने बाबा साहेब की बात मान ली, लेकिन उन्होंने जो निर्णय देना था उन्होंने उसके लिए डेट को पोस्टपोन कर दिया। तो लेकिन बाबा साहेब ने ये प्रूव कर दिया था कि हम हिंदू नहीं हैं और ये लोग हमारे साथ कितना भेदभाव करते हैं, ये बाबा साहेब ने प्रूव कर दिया था। तो इस पर जो सयाजी गायकवाड़ भी उनके साथ गए थे वो ऐसे मतलब टेबल को बजाने लगे, ताली बजाने लगे कि मैं, वो कहने लगे कि मैंने जो स्कॉलरशिप डॉक्टर अम्बेडकर को दी थी वो आज सफल हो गई, क्योंकि बाबा साहेब ऐसे वहां पर दहाड़े और ऐसे हमारे हक अधिकारों को, एक एक हक अधिकार उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने हमको हर अधिकार से वंचित रहा है और हमको ये अधिकार चाहिए ही चाहिए। तो ये बाबा साहेब ने वहां प्रूफ कर दिया। और आज जो फिर बाबा साहेब ने ये प्रूफ तो कर दिया और इसी 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 महीने की 29 तारीख
29 अगस्त को तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन मैं इसकी बात मैं आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब ने जो हमारे लिए किया, जो हमारे लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, जिसके बलबूते आज हम यहाँ तक पहुँच गए, वो एक एक अधिकार बाबा साहेब ने बड़ी मुश्किल से हमको दिलाया और हम उनके एहसानों को भूल गए। तो हमको बाबा साहेब के जो लोग ये समझते हैं कि आज वो जितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं या जितने बड़े बिजनेसमैन बनकर बैठे हैं, वो उनकी खुद की मेहनत है, तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। क्योंकि बाबा साहेब ने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आपको दिखा दिया और आपको वो सारे अधिकार, वो सारी सुविधाएं मुहैया करा दी कि ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो अगर आप उन अधिकारों को लेकर मंजिल तक पहुंच भी जाते हो तो इसमें आपका कोई बड़ा काम नहीं है या कोई बड़ा हाथ नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब ने वो सारे हक अधिकार दिला दिए ताकि आप मंजिल तक पहुंच सको। लेकिन उन्हीं लोगों ने बाबा साहेब को भुला दिया, उनके एक एक अधिकार को भुला दिया और वो समझते हैं कि वो अपनी मेहनत से आगे पहुंचे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब के जो एहसान है उनको हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते, और बाबा साहेब के इतिहास को जानने के लिए हमको बाबा साहेब को पढ़ना पड़ेगा। और बाबा साहेब कहते थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। तो हमको स्ट्रांग बनना है, यदि हमको सबको जवाब देना है, हर एक के सवालों का अगर हमको जवाब देना है, तो हमको अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, अपने इतिहास को जानना पड़ेगा, तभी हम सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वरना कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कितने भी आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर या पीएम सीएम राष्ट्रपति तक बन जाइए, लेकिन जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे, आपको हर कोई नीच कहता रहेगा, आपको हर कोई अछूत बनाता रहेगा। तो यदि आपको अपना मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए तो आपको इतिहास को जानकर सबको मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और एक नई घटना के साथ फिर से अगस्त के महीने में आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।